What do you need to do? हॉरर कैंपिंग कर रहे हैं कि पूरे अकेले, बिल्कुल कोई भी नहीं, अकेले दिखा दे एकदम सबको। अकेले सिफर ये तो हो क्या गया एकदम से ये अमन भूख लग रही है यार। अमन अमन अंदर से डर के, अब देखना अब दिल नहीं दिखा रहा। आप मुझे सजेस्ट कीजिए इंस्टेंट, अगर आपको खाना बनाना पड़े तो आप क्या क्या बना सकते हैं मुझे कुछ। क्या बात है जी, आज दाल चावल। बादलों के बीच में हमारे आसपास पूरा फॉग है, हम बादलों के बीच में है। लड्डू भी देख रहे हैं, ऐसी ऐसी जगह आ गई ना भाई। हरियाली, पहाड़, मतलब इन पहाड़ों से दूर जाने का मन नहीं करता। आप मेरे टॉप पे देखिए किस तरह का मौसम हुआ है। कार्स का है जानू, कितना क्रेजी है उसको, कार्स का। इसको कुछ नहीं चाहिए, इसको कार से तो इतना खुश होता है, ये देख लो। तो जी यहाँ पे सेटअप हो गया, क्लोज स्टैंड कर लिया है, बंद हो गया है, हम रेडी अब निकल रहे हैं आगे के लिए। इतनी प्यारी लोकेशन है बट क्या करें, घर तो जाना है। एक ये देखो भाइयों, इसे कहते हैं सरथल वैली, और देखो कितनी ज़बरदस्त वैली है। बीच में एक पानी की नदी जा रही है, इस साइड से भी नदी है, अपने उस साइड से भी, राइट साइड से भी नदी है, लेफ्ट साइड से भी नदी है, और बीच में अपनी सरथल वैली आती है। अभी सरथल वैली का बहुत सारा काम लगा हुआ है, एक गवर्नमेंट कॉटेज भी बने जहाँ पर हमने रात को स्टे किया था। ये देखो बहुत ही हवा तो यहाँ पे 24 घंटे ही चलती है, हवा की आवाज़ क्या पता आपको आ भी रही है कि नहीं आ रही है, मगर आ रही है, मुझे तो बहुत ज़्यादा हवा आ रही है। देखो हवा की आवाज़ सुनो, बहुत ही ज़बरदस्त वैली है ये देखो। ये थी पूरी सरथल वैली, मतलब ये है इतनी सी है सरथल वैली। तो अभी पूरा काम चल रहा है यहाँ पर, पूरे पत्थर ही पत्थर है, नीचे में नदी है, तो काम चल रहा है। मुझे लगता है 1-2 साल लगेंगे इसको अच्छे से वेल डेवलप होने में, है ना, अच्छे से 1-2 साल लगेंगे। तो इस तरह का रोड है, अभी कहते हैं कि 10 किलोमीटर और रोड ऐसा है। बनी के लिए हम निकल रहे हैं, तो अब देखते हैं आगे बनी जाकर। तो हम यहाँ से निकल ही रहे थे, तो रास्ते में हमें रोका, यहाँ पर एक्चुअली लंगर लगा हुआ था, क्योंकि ऊपर सरथल में मंदिर है, वहाँ पर मतलब सब जा रहे हैं, सबकी मन्नतें पूरी होती है वहाँ पर, तो उस चक्कर में यहाँ पर लगा हुआ था लंगर। तो हमने कहा क्यों ना हम भी रुक लें यहाँ पर, और मतलब माता रानी का लंगर खा कर ही जाएं। क्या ऊपर मंदिर पर मंदिर है, उसी यात्रा चल रही है ना, तब यहाँ पर सरथल में मंदिर के। इस बार की पूरे सफर में ना लड्डू ने अपने हाथ से ना ये छोटी छोटी कार्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, पूरे दिन पूरी मतलब जब भी बैठ रहा है, जब भी गाड़ी में आ रहा है, बाहर घूम रहे, इन कार्स के साथ ही ये बिजी रहा है लड्डू। इसको इतना क्रेज है ना कार्स का, है जानू कितना क्रेज है इसको कार्स का। इसको कुछ नहीं चाहिए, इसको कार से तो इतना खुश होता है, ये देख लो। अभी मम्मी पापा के ऊपर भी ये कार ही चला रहे है, ये देख लो, कितना खुश होता है। जैसे मन्नत को मेकअप का शौक है बहुत ज्यादा, इसको कार का शौक है, दोनों के अपने अपने शौक है। हाँ लिप बाम लगाना आता है, देखा इनके यही है, उसको अपना मेकअप का बहुत शौक है, इसको अपने कार का शौक है। ये बहुत लंबा सफर हो गया, हमें मालूम नहीं था कि हम अगर हम यहाँ से भी सरथल से भी जम्मू जा रहे हैं तो 250 किलोमीटर का सफर है, जिससे तो अच्छा हमें जम्मू से भद्रवाह बहुत कम पड़ा है ना जानो, तो दूसरी प्लेस पे जाओगे तो लंबा तो बढ़ेगा। तो हमें इतना मालूम ही नहीं था कि हम तो, मुझे लगता है पूरा जम्मू कश्मीर ऐसे घूम गया है। अभी तो हम जम्मू से निकले, डोडा भद्रवाह से होके यहाँ पे अपना पठानकोट से जम्मू जा रहे हैं, पठानकोट से जम्मू जा रहे हैं, गोल चक्कर लगा लिया हमने पूरा। चलो 4-5 दिन में हम लोगों ने पूरा गोल जम्मू घूम लिया, देखो जम्मू कश्मीर पूरा गोल घूम लिया है। और ऐसी ऐसी जगह देखी ना हमने, इतनी प्यारी प्यारी और इतनी ऊंची ऊंची जगह से इतना नीचे देखा, सोचा भी नहीं आ सकेंगे, ये सोचा भी नहीं था कभी, कब आना था हमने यार, क्या है पूरी पूरी जिंदगी इंसान सोच भी नहीं सकता यार, ऐसी ऐसी जगह। जब से ट्रैवलिंग का हमने स्टार्ट किया तब से ऐसी ऐसी जगह आ गए यार, और ऐसे रोड इतने खतरनाक, इतने डेंजर रोड है ना, सबसे माने हुए रोड है ये यहाँ। कई बार तो मतलब मैं आगे बैठी तो ना मेरी चींके निकलती, अरे अरे आगे रास्ता ही नहीं, कहा
बहुत ज्यादा सिस्टम है यार, मानना पड़ेगा इनको यार। मतलब इतनी सी रोड होती है, इतनी सी रोड में से कैसे हो, अचानक से आगे से भी दूसरी गाड़ी आ जाना होगा, तब तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा यार, फुल ट्रेन बंद हो तभी इस रोड इन रोडों पे आए, वरना गलती से भी ना आए यार। जिसका एक्सपीरियंस है कम से कम 5-6-7 साल का गाड़ी चलाते हुए, और हिली एरिया में गए हैं पहले बहुत बार, तो तब आए। ऐसे नहीं कि यार कोई भी प्लेन रोड पे अपने दिल्ली बॉम्बे साइड चलते चलते इन रोडों पे आ जाए तो भाई कुछ भी हो सकता है, सीधी बात है। क्योंकि देखने में लगता है कि बहुत इजी रोड होगा, हाँ अच्छे रोड भी है, बट कहीं कहीं पे एकदम टॉप पे इतने खतरनाक रोड से इस बार हम गुजरे हैं ना, मतलब कुछ भी नहीं है, पहाड़ है, छोटी सी रोड है, मतलब इतने पत्थर के इतने से पत्थर के गैप रहता है, इससे ऐसे गाड़ी निकालनी पड़ती है, ऐसा सिस्टम होता है। तो जो एक्सपीरियंस हो ना वही चला सकते हैं यहाँ पर। पर इतनी अच्छी अच्छी जगह देखने को मिली है ना, मतलब दिल खुश हो जाता है ना जानो, ऐसी ऐसी जगह देखने को मिली है, मजा आ गया। अमन शिपन मजा आया नहीं आया तुम्हें? बहुत ज्यादा मजा आया, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था कैंपिंग हमारी। कैसी रही फिर कैंपिंग? अच्छी रही ना? बहुत अच्छी भी थी, मुश्किल भी थी। तो हम सरथल से निकले थे पूरा 14 किलोमीटर्स के बाद ये आए हैं, कच्चे रोड पे थे, अभी तक अब पक्का रोड आ गया है ना जानू। सरथल से निकले हम 14 किलोमीटर चल के आए, जाके फिर जाके पक्का रोड मिला हमें, बुरा हाल, इतना खराब रास्ता, इतना खराब रास्ता, 1.5 घंटा लग गया 14 किलोमीटर में। वही तो कह रहा हूँ, 14 किलोमीटर को 1.5 घंटा लग गया क्रॉस करते, इतना समझो कितना रास्ता खराब है। ये देखो जी, यहाँ पे कार लगाई थी और यहाँ पर था वाटरफॉल, इतना प्यारा, इतनी सारी फोटोज ली, मजा किया, इतना जबरदस्त। हेलो, आप सब ट्यूनिंग कर रहे हैं, सबने ब्लैक एंड व्हाइट, सबने ब्लैक एंड व्हाइट पहना है आज, और इतना मजा आ रहा है ना यहाँ से, ऐसी लोकेशन से जाने का, जगह जगह पे इतने प्यारे प्यारे वाटरफॉल्स हमें यहाँ पर मिले हैं। पानी के फाउंड जैसे आ रहे हैं ना, मजेदार, कितने प्यारे लगते हैं, हवा देख कितनी प्यारी आ रही है, हवा देखो। तो देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अभी दिन का टाइम है, मतलब शाम का टाइम है, 5 से 6 बजे, और कैसा मौसम हो गया है, एकदम बादलों के बीच में आ गए, इस तरह का यहाँ पे वेदर है, और ऐसी जगह है ये। यहाँ पर रुके हैं अभी ग्रीन वाली रेस्टोरेंट में, और पीने लगे यहाँ पर चाय, चाय पीने का बड़ा मन कर रहा था, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाता, तो रुक गए यहाँ पर। चाय चाय सिपा, तो चाय नहीं पीती क्या करेगी, तो कुछ खाने की गर्म चाय चल रही है यहाँ पर, ठंडे ठंडे मौसम में इनको बोल रहे हैं, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक और जगह हमें पता चली वहाँ रुक जाओ, बट ये मान नहीं रहे हैं, मान जाओ बहुत झूठे इंसान है, घर से निकले थे 6-7 दिन का प्लान बनाकर, 3 दिन में चार दिन में थक कर जा रहे हैं घर, वो देखो ड्रामेबाज, हम लोग चाउमीन खा रहे हैं, वो देखो उन्होंने चाउमीन खाने भी शुरू कर दी यहाँ पर। इतनी अच्छी जगह है ना आई स्वेयर कि यहाँ कोई भी आएगा उसका बिल्कुल भी यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। आप मेरे पीछे देखिए किस तरह से पूरा फॉगी एरिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए गाड़ी का क्या हाल हुआ है, तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने के, इतनी अच्छी और ठंडी जगह है एक्चुअली ये। जम्मू में कॉल करके पता कि इतनी गर्मी है और यहाँ पर इतना ज़बरदस्त मौसम ना, और हरियाली, पहाड़, मतलब इन पहाड़ों से दूर जाने का मन नहीं करता। आप मेरे टॉप पर देखिए किस तरह का मौसम हुआ है यहाँ पर। कहाँ जा रहे हैं बलग, ये बता दो। तो हम निकल चुके हैं, जैसे कि आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि मैं बोल रही थी एक और नई लोकेशन हमें पता चली, प्लान नहीं था, हम तो सीधे जम्मू जा रहे थे, बट जहाँ हम चाय पीने रुके
जब चाय पीने रुकी उन्होंने हमें बताया छल्लादार जगह है यहाँ पर। तो उस टाइम मैंने इनकी बड़ी रिक्वेस्ट की कि चलो चलो चलो, बट ये इतने जिद्दी निकले ना, मैं आपको बताती हूँ। रुको एक मिनट। तो जब हमने चाय पी थी 6:30 बज रहे थे, उस समय मैंने इनको कहा था चलो चलते, इन्होंने कहा नहीं 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 जाएंगे, घर जाना है करके। फिर बाद में आगे के पता चला कि कल शॉप की भी छुट्टी है। फिर इन्होंने सोचते सोचते मतलब हम 2-3 किलोमीटर शॉप वहां से भी नीचे चले गए, वापस जा रहे रिटर्न उस लोकेशन से, मतलब पीछे की तरफ जा रहे हैं हम जहाँ से वापस आ गए थे। 20 किलोमीटर जा रहे हैं हमने ऊपर छल्लादार की तरफ, तो जा रहे हैं। एट लास्ट प्लान बन गया ये, इन्होंने फिर खुद ही बोला कि चलो अब चलते हैं वहीं पर घूमाते हैं एक नाइट और से ही वहां पर। तो जा रहे हैं, बट यहाँ पर इतनी ज्यादा इस समय बज रहे हैं 7:30 और इतनी ज्यादा धुंध है ना, इतनी ज्यादा धुंध कि हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। बहुत ज्यादा फॉग है, तो देखो अब आगे कैसा रहता है कैसा नहीं रहता है। एक भैया मिल गए, उनके टेंट्स वगैरह भी लगे हुए वहाँ ऊपर, तो अब चलो वहीं पर चलते हैं। देखो भैया ने कहा आप जाओ, कोई टेंशन नहीं है, आप जाओ वहाँ पे आराम से कैंपिंग कर सकते हो, तभी हम जा रहे हैं। और एक्चुअली ये जगह भी एक्सप्लोर करनी बनती थी, तो इस जगह को छोड़ के आज जाते तो फिर मुश्किल था हम कभी आ सके मेरे हिसाब से, क्योंकि दूर थी ये लोकेशन। मुझे लगता नहीं है कि एक एरिया जो हम क्रॉस कर चुके थे करके चले जाते, फिर वापस यहाँ पर आना मुश्किल था। तो लड्डू भी देख रहे हम, ऐसी ऐसी जगह आ गए ना भाई, बोल नहीं सकते। सुबह तक बच गए तो बता देंगे, सुबह तक बचे भाई, ये वीडियो क्या बता, छल्लादार ना बना दे भाई। ऐसी 13 किलोमीटर जाना है, 13 किलोमीटर ऐसा रोड है 13 किलोमीटर। हेलो अभी तक 77 हुआ ना, तो देख सकते हैं किस तरह का रास्ता है। मतलब ऐसा रास्ता है ना, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोग निकल तो आए हैं इस रास्ते में मतलब छल्लादार के लिए, बट अब बहुत ज़्यादा डर भी रहे थे, बट इन्होंने हिम्मत रखी थी कोई बात नहीं चले जाते हैं, हम देखते हैं कैसा रहता है। बट आप देख सकते हो ना, कुछ लिटरली कुछ भी नहीं दिख रहा था हम लोगों को, इतनी ज़्यादा फॉग थी, मतलब ऐसा था कि बादलों के बीच में ही हम चल रहे थे। वो बोला डर भी लग रहा था क्योंकि बहुत सुनसान था, जैसे हमें यहाँ पर कुछ लोग दिखे ना थोड़ी शांति हुई कि चलो कोई तो रहता है यहाँ पर। बट यहाँ से भी ना अभी बहुत ऊपर जाना है, हमने एकदम टॉप पे जाना था। स्पेशली बात ये हो गई थी कि हम लोग निकले थे लेट, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया और इतनी ज़्यादा फॉग हो गई, इस वजह से डर गए। और एक तो एरिया ये ऐसा आया है ना यहाँ पर, जहाँ पे चारों तरफ मतलब सिर्फ बॉयज़ ही बॉयज़ से लड़के ही लड़के, मतलब ऐसा एरिया ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जम्मू कश्मीर के किसी लोकेशन पर है, कुछ अलग ही लोकेशन एकदम से हमें यहाँ पर लगी। बहुत ज़्यादा डर गए थे हम लोग, बट फिर भी हम चल हिम्मत कर आगे निकल गए हैं। तो लेट्स सी कि आगे रात को हमारा कैसा रहता है, हम कितने बजे तक पहुँचते हैं, कैसी लोकेशन रहेगी। पूरा नीचे से ऊपर छल्लादार जाते जाते ना 13 किलोमीटर था, और 13 किलोमीटर में से 10 किलोमीटर एकदम ऐसा ही रास्ता था जिस जहाँ हमें पहुँचते हुए 13 किलोमीटर कवर करने में हमें 1.5-2 घंटे लग गए थे। एकदम आस्ते आस्ते जा रहे, और एक टाइम तो ऐसा आया था मुझे लगा बस गए हम, और थैंक गॉड जैसे ही थोड़ा आगे आए हैं, मतलब आई थिंक 1-2 किलोमीटर बचा चला था। और यहाँ से कितना प्यारा हो गया, इतना प्यारा ऐसा लग रहा था एकदम चांद के पास हम पहुँचने वाले हैं यहाँ पर आकर, एकदम ऐसा व्यू हो गया था। यहाँ पर आते ही थोड़ी धुंध कम हो गई थी, देख सकते हैं क्लियर हो चुके हैं, रोड हमें अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ी और हिम्मत मिल गई थी हमें कि हाँ चलो रोड क्लियर हो गया, अब आराम से हम जा सकते हैं। और देखिए चांदनी रात है, कितना प्यारा लग रहा है, बस हम पहुंचने वाले हैं। तो एट लास्ट पहुंच चुके हैं हम छल्लादार, इतनी प्यारी जगह है। अब इस समय तो अंधेरा में कुछ दिखा नहीं सकती हूँ, मतलब इस समय हम बादलों के बीच में, हमारे आसपास पूरा फॉग है, हम बादलों के बीच में है। टेंट्स लगे हुए थे यहाँ पर, बट फिर भी हमने प्रेफर किया कि अपना ही लगा लेते हैं यहाँ पर टेंट लगाना, क्योंकि जो ये टेंट्स लगे हैं ना यहाँ पर नीचे पूरी मिट्टी मिट्टी है, जो हमारा टेंट है फुल पैक्ड है ना, कुछ कुछ कीड़ा बाहर से अंदर नहीं आ सकता। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी मैंने खाना चढ़ा दिया है, तो जल्दी जल्दी दाल बना रही हूँ, तड़का लगाऊंगी, साथ में चावल बना लूंगी जल्दी जल्दी, और सिफत बनाने वाली है जीरे वाले आलू। तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कीजिए इंस्टेंट, अगर आपको खाना बनाना पड़े तो आप क्या क्या बना सकते हैं, मुझे कुछ रेसिपी शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट में बताइए कि हम क्या क्या बना सकते हैं। दाल चावल मैं इसलिए बना लेती हूँ क्योंकि जल्दी भी बन जाते हैं और बच्चे खुद खुश होकर खा लेते हैं वो। तो चलिए मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, तब तक अमन दिखाएगा कि टेंट हमने कैसे अपना लगा लिया है। तो यहाँ पर शिफत ने बोला कि खाली दाल चावल नहीं खाऊंगी भाई, मैं तो जीरे वाले
आलू भी खाऊंगी। तो यहाँ पे सिर्फ अपने छोटे छोटे आलू कट कर लिए, ऑनियन कट कर लिए, ये तेल चढ़ा दिए, इसमें जीरे वाले बनाने लगी है। साथ ही साथ देखिए दाल को मेरी सीटियाँ आने लगी है। ठीक है सिर्फ जल्दी जल्दी बनाओ जी। तुम तो ये दाल का तड़का रेडी हो रहा है यहाँ पर, साथ ही साथ ये देख लो जीरा आलू रेडी हो रहे हैं। दाल का तड़का रेडी करके ना दाल इसमें ट्रांसफर कर दूंगी और उसमें चावल चढ़ा दूंगी। जल्दी जल्दी खाना बनाकर बैठते फिर बातें करते हैं। यहाँ के बारे में बताती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है सब कुछ। एक गिलास मुझे पानी का भर के दे दो, जल्दी सब्जी बना लूंगी। क्या हुआ, वीडियो कॉल में बात कर रहे हो? हाँ जी मम्मी के साथ, मम्मी को स्टोरी सुना रही हूँ रास्ते में किस तरह से हम लोग आए, क्या हुआ, कितने दिन बाद वीडियो कॉल में बात की, चैन आई होगी। वीडियो कॉल में बात की बहुत दिनों के बाद, अभी तक इतने दिनों से जिस एरिया में थे कहीं पे भी नेटवर्क नहीं थे। हाँ तो देखो बस यहाँ पर सारे बैठ गए इंतजार में खाने खाने लगी। खाना लाओ, भूख लगी भाई। सिफत बेचारी परेशान रही, क्या हो गया, मैं कहाँ पहुँच गई। लड्डू तो हमारा ये ऑल टाइम, मतलब इसको खुश है। बाहर में देख क्या इतना जबरदस्त व्यू है ना यार। सुबह सबसे पहले ये देखो मन्नत का खाना आ गया यहाँ पर। मन्नत आ जाओ बेटा, आपका खाना आ गया, आपकी फेवरेट दाल चावल आ गई, साथ में मैंने घी डाल दिया, सबको डाल देती हूँ साथ साथ, बस गर्मा गर्म खाना बन के। प्याज भी लो। देखो कैसे देख रही है, सिफत को लगता है भूख लगी है। भूख नहीं लगी। अमन अमन कहाँ घुस गया यार, अमन तू कहाँ घुस गया, हाँ उधर बैठना यार, लाइट में बैठना, लड्डू के साथ बातें कर रहा हूँ। आपको बाहर का व्यू भी दिखा देता हूँ, आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ यार। देखो ये हमारा चांद निकला हुआ इस टाइम पे, ये देखो जबरदस्त चांद की रोशनी, ये देखो कैसा व्यू है बाहर पर, तो कुछ भी नजर नहीं आएगा आपको। ये हमारी गाड़ी लगी हुई है, बिल्कुल पूरा अंधेरा भाई, इस पूरे जंगल में हम अकेले हैं भाई इस टाइम पे, और हमारी कैंपिंग हो रही है। क्या बात है जी, आज दाल चावल आलू की सब्जी, वाह वाह क्या मजा। सॉरी 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 यार, सॉरी गलती हो गई, मैंने गलती से पलक को डरा दिया, पलक डर गई, खाना छाना छोड़ के भागी आ गई। सॉरी सॉरी, मजाक कर रहा भाई, गण मजाक कर रहा, तू सच में डर गई? आपने एकदम ऐसे बोला, मेंटल दिमाग खराब कर दिया आपने तो यार। भाई सच में डर गई इतनी? सच में डर गई, क्योंकि आपने ऐसी लैंग्वेज यूज करके बोला जैसे सच बोलते हो एकदम से। मैंने कहा सच में क्या किया एकदम से, अमन भूख लग रही है यार। अमन अंदर से डर के, आप देखना दिखा रहा, सच बोल अमन, डर गया था सच। रात को कोई पकड़ेगा भी तो हम बोलेंगे जीजे को ले जाओ, हमें छोड़ रहा हूँ जीजे को। देखो जीजा इनका फालतू क्या, देख लो ये है, जीजे को ले जाए, जीजे को ले जाओ बस। भाई तीनों बहन भाई मिलकर जीजे को बेचने को तैयार है यहाँ से, आप भी दूसरी कंपनी को ले जाए, हमारे हम बहन भाई बच जाएं। देखो नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी जान को लेके जा सकते। अच्छा पहले अंदर घुस गई टेंट में, बाहर ही खड़ा था, मैंने मजाक किया, तू टेंट में तो तू भी पकड़ता, आपको भी पैर पकड़। क्या बात, चांदनी रात है ना, पूरा मैदान एकदम से ऐसे दिखाई दे रहा है, चांद कितनी तेज रोशनी है यहाँ पर, जबरदस्त मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त एरिया है, मजा आ गया। मतलब पहली बार सुबह जो मजा आएगा ना, मैं कह रहा हूँ मजा ही आ जाएगा। और पहली बार ऐसी हॉरर कैंपिंग कर रहे हैं कि पूरे अकेले, बिल्कुल कोई भी दिखा दे, बिल्कुल अंधेरे में अकेले, हमारा एक टेंट है लगा हुआ खाली, हम ही है, बाकी टेंट में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो डिनर हमारा हो चुका है, बस अब सोने की तैयारी। उससे पहले सोचा कि एक बार थोड़ा सा राउंड लेके यहाँ पे देख लिया जाए, यहाँ के मजे लिए जाए, बहुत अच्छा, मतलब वेदर इतना अच्छा है ना, ना ज्यादा ठंड है ना गर्मी है, ना गर्मी ना ठंड है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा, और हल्का हल्का ठंड, मतलब अच्छा फील हो रहा है, बंदा यार इतना बर्दाश्त कर सकता है। तो चलो बच्चों को सुलाने की तैयारी करते हैं, उनको सुलाते हैं।
हमें ना यहाँ पे बाहर अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं, जैसे टेंट के बाहर ना कोई जंगली जानवर घूम रहा है। कोई नहीं, सब ठीक है। तो पागल तू क्यों है? तू क्यों बिना दर मार के आ जाते हैं, बाहर निकल जाएगा। अभी भी टूटा नहीं है ना आज भी है। रहन दो, मैं कहती हूँ रहन दो। हेलो, कुछ नहीं हमारा वैन होगा, डरा दिया कुछ नहीं है। अमन क्या लाया? ये ठीक है, ये काम आएगा। एक चाकू भी दे देना था मेरे को। चाकू क्या है? टोका बहुत है, कड़ा लिया है। जब मैं तेरा कड़ा सही है तो कड़ा लिया है, ठीक है। मेरे तो कड़ा चला है, टोका चलेगा। तो मिलते हैं यूट्यूब फैमिली आपसे सुबह जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग के साथ।